दावास से आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया भर में स्विट्जरलैंड को एक टैक्स हेवन के तौर पर जाना जाता है। भारत की कई कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए यहाँ स्विट्जरलैंड में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ चुके प्रधानमंत्री मोदी का एक अहम मिशन है किस तरीके से इस काले धन को वापस हिंदुस्तान लाया जाए। इसके लिए इस दफा प्रधानमंत्री मोदी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. But that will have to change, and that will change immediately. दावोस में सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी पर होंगी। यहाँ आर्थिक नीतियों की झलक तो मिलेगी, आतंकवाद को लेकर भी डिप्लोमेसी की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। आतंकवाद के दानव ने दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया है। इस वजह से उन तमाम देशों के आर्थिक हालात पर भी गंभीर असर हुए हैं। भारत के साथ अमेरिका का नाम भी उस लिस्ट में शुमार है। उसी आतंकवाद की बुनियाद पर लगातार धोखा देकर अमीर की मदद हासिल करने वाला पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। अमेरिका हर प्रकार की आर्थिक सहायता रोकने का फैसला सुना चुका है और इस फैसले से बिलबिला रहा है भारत का पड़ोसी मुल्क। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट के बीच उम्मीद की जा रही थी कि दावोस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी और आतंकवाद को लेकर भी दोनों देशों के बीच ठोस बातचीत होगी। आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है। लेकिन कार्यक्रम और समय की कमी की मजबूरियों की वजह से ये मुलाकात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। पीएम मोदी महज 24 घंटे के लिए दावोस में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दावोस पहुंच रहे हैं, जहां सोमवार को 48वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका सबसे अहम संबोधन होना है। उसके बाद वो दिल्ली लौट आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भी दावोस में मौजूद रहेंगे, लेकिन एक ही दिन एक ही वक्त पर ट्रंप और मोदी के दावोस में मौजूद ना रह पाने की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। मोदी के संबोधन से सम्मेलन का आगाज होगा तो ट्रंप के भाषण से अंत। इट्स अ शॉर्ट विजिट, जस्ट 24 आवर्स, बट इट इज अ वेरी फोकस्ड विजिट एंड इट इज टेकिंग प्लेस 20 इयर्स आफ्टर द लास्ट टाइम दैट अ प्राइम मिनिस्टर वेंट टू दावोस, व्हिच वाज इन 1997। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि दुनिया भारत की नीतियों और वृद्धि की क्षमता के बारे में सीधे सरकार के मुखिया के मुंह से सुनना चाहती है। दावोस में 125 करोड़ भारतीयों की सफलता की कहानी बताने को लेकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। देश की आर्थिक तरक्की की रूपरेखा पीएम मोदी के दिलो दिमाग में तैयार है दुनिया को बताने के लिए। साथ ही आतंकवाद पर करारा प्रहार करने के लिए भी वो दृढ़ संकल्प है। विश्व आर्थिक मंच भी उसका गवाह बन सकता है। पीएम मोदी कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री एलन बर्सेट भी उनमें से एक हैं। मोदी यहाँ एक तीर से दो निशाना लगाने की रणनीति अपनाएंगे। आर्थिक जगत के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ भी दूसरे देशों के दिल मिलाने की कोशिश होगी। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शाहिद खाकान अब्बासी की दावोस में मौजूदगी के बाद भी मोदी उनसे नहीं मिलेंगे। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को साहब बताने वाले पाकिस्तान के वजीर आलम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। ऐसे में मोदी की डिप्लोमेसी के आगे इस सबसे बड़े आर्थिक मंच पर भी पाकिस्तान की फत पिटने वाली है। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। हाफिज सईद का हिसाब तो होना जरूरी है, लेकिन असली शैतानियां तो सीमा पर हो रही है, जहां आए दिन पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है और बेकसूर हिंदुस्तानियों को मार रहा है। 5 दिनों से भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने एक किस्म की अघोषित जंग छेड़ रखी है। चीन भी दोस्ती की दुहाई देकर आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का बचाव करता रहा है। अमेरिका की आर्थिक पाबंदी के बाद भी चीन ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाक की अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन बदलते वक्त में पाक लगातार घिरता जा रहा है। ऐसे में अब वक्त है दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का, ताकि आतंकियों का रहनुमा बेपर्दा हो जाए और अमन शांति कायम हो। दावोस का सम्मेलन वो मौका हो सकता है
दुनिया के इस मशहूर छोटे से स्की रिजॉर्ट में 5 दिनों तक आर्थिक रूपरेखा पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी डिप्लोमेसी के जरिए दूसरे देशों को प्रभावित करने का ये बेहतर अवसर है। राहुल कंवर, दावोस, आज तक। पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विकास को इतनी रफ्तार दी है कि दुनिया मोदी की मुरीद हो गई है। इसी वजह से इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी प्यू ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेताओं में एक बताया और गैलप इंटरनेशनल ने हाल ही में कहा कि मोदी दुनिया के टॉप 3 नेताओं में शुमार है। जीएसटी, नोटबंदी, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, एफडीआई की नई नीति, मोदी के इन फैसलों से देश की आर्थिक तस्वीर बदली बदली सी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती भरे फैसले, काले धन पर नकेल कसने वाले कानून और मोदी के अन्य फैसलों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेटिंग पर दिखने लगा है, जिससे अच्छे दिन के संकेत मिल रहे हैं। मोदी अपनी जिन नीतियों की रूपरेखा दुनिया को बताने दावोस जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की तस्वीर होगी, उसी कामयाबी की जिसे लेकर पिछले साल नवंबर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। उससे पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया। मूडीज ने नोटबंदी, डीबीटी, आधार कार्ड जैसी योजनाओं को सुधार की मुख्य वजह बताया। बीते अक्टूबर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी भारत ने छलांग लगाई। मोदी की नीतियों ने उन्हें नई पहचान दी है, उनकी सोच और काम करने के तरीकों ने उन्हें दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार कर दिया है। हाल ही में मोदी विश्व भर के नेताओं में 3rd सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। एजेंसी गैलप के सर्वे ने मोदी की साख बढ़ाई, लेकिन उनका कद दुनिया ने देखा है जब तमाम बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख मोदी के मुरीद हुए। ये मोदी की साख और ताकत की तस्वीर है और दुनिया का यही भरोसा मोदी पर है, जो भारत की मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं। अब मोदी की उसी कामयाब डिप्लोमेसी की छाप दावोस में दिखेगी, जब वो अपने संबोधन में आर्थिक तस्वीर पेश करेंगे। 20 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा दावोस पहुंचे थे। राहुल कंवर, दावोस, आज तक। दावोस में लगने वाला है दुनिया की आर्थिक जगत का महाकुंभ और इस महाकुंभ का उद्घाटन कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में नरेंद्र मोदी ने भारत के झंडे को ऊंचा किया है। दलित की बेटी अशिक्षित है, आदिवासी की बेटी अशिक्षित है, पिछड़ों की बेटियां अशिक्षित है, ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दावोस गवाह बनेगा मोदी के उस सपने के साकार होने का, जिस पर उन्होंने बार बार देश के सामने अपनी राय रखी है। 2014 में पीएम बनने के बाद से मोदी ने कई बार आवाज उठाई और देश से अपील की कि बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं। देश की तरक्की महिलाओं की भागीदारी के बगैर मुमकिन नहीं और पीएम मोदी का यही सपना दावोस में भी इस बार दिख रहा है। इस बार दावोस में इतिहास रचा जा रहा है। संस्था के 5 दशक के इतिहास में ये पहला मौका है जब सम्मेलन के सह अध्यक्ष के रूप में अलग अलग देशों की 7 महिला हस्तियों को चुना गया है। भारत की ओर से इस लिस्ट में नाम शामिल है कार्यकर्ता चेतना सिन्हा का। चेतना सिन्हा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्रिस्टिन लेगार्ड, नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग, IBM की प्रमुख गिनी रोमेटी, ITUC की महासचिव सामरा बुरो, CERN की महासचिव फेबियोला जियानोटी और NG की CEO इसाबेल कोचर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी का ख्वाब पूरा हो रहा है तो भारत की ओर से दावोस में शामिल हो रही चेतना सिन्हा ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। चेतना सिन्हा NGO मानदेशी फाउंडेशन चलाती है, जो गरीबों की मदद करती है। उनकी पहचान एक माइक्रो फाइनेंस बैंकर, अर्थशास्त्री और किसान के रूप में भी है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर वो समाज सेवा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग ने भी देश की शान में 4 चांद लगाया है।
पीएम मोदी की ही पहल थी कि दुनिया ने योग को स्वीकारा और फिर शुरू हुआ दुनिया के कोने कोने में हर साल 21 जून को योग दिवस। हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है योग, मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। मोदी के भरोसे की अमिट छाप इस बार दावोस में भी दिखेगी। वहां भारत की शान बढ़ाएंगे दो योग गुरु। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राष्ट्रीय अध्यक्षों को योग की प्रैक्टिस कराएंगे। दावोस में योग के 6 सेशन के आयोजन किए गए हैं। कुल मिलाकर दावोस में इस बार हिंदुस्तान का सीना और चौड़ा होगा। राहुल कंवर, दावोस आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावोस आने का अहम मकसद है दुनिया को ये बताना कि भारत अब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत में अब बिजनेस करना पहले से बहुत आसान हो गया है और साथ ही भारत की क्रेडिट रेटिंग पहले से अब बहुत बेहतर है। दावोस गवाह बन रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 48वीं बैठक का, जहां हर बार की तरह इस बार भी आर्थिक नीतियों और चुनौतियों की चर्चा होगी और संकट से उपजे सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। दावोस वो शहर है जहां हर साल जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होता है। दावोस वही शहर है जहां पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की कहानी दुनिया के सामने रखी थी और इस साल दावोस में बारी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना वर्तमान अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने 1971 में की थी। पहले इसका नाम यूरोपियन प्रबंधन था, जिसे 1987 में बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। दावोस में हर साल होने वाला यह सालाना आयोजन इस मंच का सबसे अहम कार्यक्रम है। जनवरी के महीने में इस सालाना बैठक में ही वर्ल्ड इकोनॉमी के मुद्दे पर चर्चा होती है। इसमें भागीदारी के लिए अलग अलग देशों को निमंत्रण भेजा जाता है। कई बार ऐसा मौका आया है कि इसी मंच पर माथापच्ची के बाद कई समस्याओं का समाधान निकाला गया है। हर साल कोई मुद्दा तय किया जाता है और फिर उस पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और कॉरपोरेट दिग्गज राय शुमारी करते हैं। इस साल हो रहे सम्मेलन को नाम दिया गया है क्रिएटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन ए फ्रैक्चर वर्ल्ड। वैसे ही 2017 में थीम था संवेदनशील और जिम्मेदार नेतृत्व। 2015 में विषय था नए वैश्विक संदर्भ। ऐसे में उम्मीद है कि दावोस एक बार फिर नजीर पेश करेगा। राहुल कंवर, दावोस आज तक। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट दावोस से आज तक की इस खास कवरेज में आज के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 की लाइव कवरेज आप देखिए सिर्फ आज तक पर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।